إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه دلاله وكل دلاله في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقران المجيد بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب ايذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب هفيض بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به بالارحام. ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله फ़क़ा फ़न अजीम हर तरह की तारीफ़ उस अल्लाह रब्बुल रब्लम के लिए लायक और जेबा है जो सारे ज़हान का अकेला खालक है मालिक है हाकिम है राज है सलाम नाजिल हूँ अल्लाह के तमाम नबियों पर खूसा आख़री नबी हज़रत महमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मोहतरम हाजरीन इससे पहले खुतबा में मैंने कयामत कब कायम होगी इस ताल्लुक़ से गुफ्तू किया था और उसका एक हिस्सा मैंने आपके सामने बयान किया था उस एक हिस्से में कयामत की जो छोटी छोटी निशानियां हैं उनका तस्करा हुआ था और ख़ुतबे के आखिर में मैं वादा किया था कि आइंदा जो खुतबा होगा वो उसी से मुतालिक होगा तो कयामत कब आ, आ, आएगी उसका दूसरा हिस्सा आज के खुतबे में आप सुनेंगे कयामत की छोटी छोटी निशानियां तफसील के साथ बयान की जा चुकी हैं इस दूसरे हिस्से में कयामत की बड़ी बड़ी निशानियों का तस्करा होगा इन कयामत की निशानियों में सबसे अजीम निशानी दज्जाल का फ़ितना दज्जाल का हूर होगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वम ने फ़रमाया कि जितने नबी जितने रसूल आए तमाम ने अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से आगाह किया दुनिया के फितनों में सबसे बड़ा फितना दज्जाल का फितना होगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदीस में दज्जाल के सिफात बयान किए कि वो कैसा होगा उसको कितना पावर होगा दज्जाल से के फितने से बचने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं भी सिखलाई हैं तदबीर भी बतलाई है अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हम सब को दज्जाल के फितने से महफूज़ रखे सही मुस्लिम की हदीस है हज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह तैन हदीस के रावी हैं कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा फरमायावर्यूसरा दज्जाल की बाई आँख ये कानी होगी यानी उसके पास एक ही आँख होगी दाहनी आँख ये बाई आँख जो है वो कानी होगी जुफाशा उसके बाल बहुत ज़्यादा होंगे बाज़ रवायतों से पता चलता है कि उसका पूरा जिस्म बाल से ढका होगा जुफ़ालशा बहुत ज़्यादा बाल वाला होगा माहू जन्नतू व नार उसके साथ जन्नत और जहन्नम भी होगी इतना पावर आज तक दुनिया में किसी को मिला नहीं है और कयामत तक मिलेगा इसीलिए दज्जाल के फितने को सबसे बड़ा फितना करार दिया गया प्यारे नबी ने फरमाया माहू जन्नत व नारुन उसके साथ जन्नत भी होगी जहन्नम भी होगी फनारू जन्नत उसकी जो जहन्नम होगी हकीकत में वो जन्नत होगी वह जन्नत हु नारुन और उसकी जो जन्नत होगी वो हकीकत में क्या होगी जहन्नम होगी ये सही मुस्लिम की हदीस इसी तरह सही मुस्लिम की एक और हदीस है कि दज्जाल के साथ दो नहरें होंगी एक नहर में सफ़ेद पानी होगा जो मुकम्मल तौर पर दिखाई देगा और एक नहर में भड़कती हुई आग होगी जो उसको खुदा मानेगा वो उसको पानी में डाल देगा जो हकीकत में जहन्नम है और जो उसको नहीं मानेगा वो उसको आग में डाल देगा जो हकीकत में जन्नत हमारे नबी ने फरमाया जब तुम्हें मिले तो तुम आग वाली नहर में चले जाना इसलिए कि वो देखने में तो आग है लेकिन वो ठंडा पानी है हमारे नबी ने ये भी फरमाया उसमें खूब डुबकियां लगाना अपने सर को झुकाना उसका पानी पीना बहुत ठंडा है देखने में तो भड़कती हुई आग होगी लेकिन हकीक़त में वो जन्नत होगी इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि वह एक आँख का काना होगा दोनों आँखों के दरमियान यहाँ पेशानी पर उसके काफिर लिखा होगा और हर इंसान जो मुसलमान है मोमिन है वो उसको पढ़ लेगा चाहे पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो ये तफसील पूरी अल्लाह के नबी सल्लम ने बयान की है जिसको इमाम मुस्लिम रहा ने अपनी मुस्लिम के अंदर नक़ल किया है सही मुस्लिम की एक और हदीस में जिसके रावी है तो इमरान बिन हुसैन हैं हमारे नबी ने फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के अब तक और आने वाले दिनों में भी दज्जाल से बड़ा कोई पैदा नहीं हुआ यानी दज्जाल से बड़ा फितने वाला कोई पैदा नहीं हुआ सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है नसिबिन मालिक खादम रसूल बयान करते हैं अल्लाह के नबी से ने फरमाया कि दज्जाल हर शहर में जाएगा उसको मसीह और दज्जाल कहा जाता है मसीह माने बहुत ज़्यादा चलने वाला है तो इस्लाम को मसीह इब्ने मरियम कहा जाता है इसलिए कि वो भी बहुत ज़्यादा चलेंगे तो है इसला तो ईसीला तोलाम को भी इसीलिए मसीह कहा जाता है जब दज्जाल पैदा होगा दज्जाल आएगा तो ईसा इस्लाम भी आएंगे हमारे नबी ने फरमाया मक्का और मदीना के अलावा वो तमाम शहरों में जाएगा जैसा कि सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है लेकिन मुस्त अहमद बिन हम्बल की एक रवायत है जिसमें अल्लाह के नबी ससरों ने फरमाया कि चार मकाम पर दज्जाल नहीं पहुंच सकेगा काबा में नहीं जा सकेगा मस्जिद नबूई में नहीं जा सकेगा इसी तरह मस्जिद अक्सा में भी नहीं जा सकेगा और चौथी बात आपने फ़रमाया कि वो तूर पर भी नहीं जा सकेगा तो दज्जाल के फितनों से बचने के लिए मक्का के लोग मदीने के लोग या इसी तरीके से मस्जिद अक्सा में रहने वाले और तूर पर कयाम करने वाले ये दज्जाल की फितनों से महफूज़ रहेंगे एक हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी ससर ने फरमाया कि उस वक्त मदीना के चारों तरफ जो मदीना में दाखिल होने का रास्ता होगा हर गेट पर अल्लाह तबारक वाली दो फरिश्तों को खड़ा कर देगा वो नंगी तलवारें लिए खड़े रहेंगे और अगर दज्जाल मदीने के अंदर दाखिल होने की कोशिश करेगा तो उसको कत्ल कर देंगे दज्जाल का फितना दुनिया का सबसे बड़ा फितना है दज्जाल के फितनों से महफूज़ रहने के लिए हमारे नबी ने दो तरीका बताया एक हदीस में अल्लाह के नबी ससरों ने फरमाया जो सही मुस्लिम की है आपने फरमाया कि जो शख्स सूर कहाफ़ की दस इब्तदाई आयतें सूरतुल अक़ जो हम जुमा के दिन पढ़ते हैं तिलावत करते हैं सूरत अलफ़ की दस इब्तदाई आयतें अगर कोई याद कर लेता है उनको पढ़ता रहता है तो दज्जाल के फितने से वह महफूज रहेगा एक और रवायत में है कि सूरतुलफ़ की आखिरी दस आयतें अगर कोई याद कर लेता है उनको पढ़ता है तो वह दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा मुफसरन ने लिखा है रवायतें दोनों सही हैं शुरू के भी दस आयतें पढ़ते रहें आखिर के भी दस आयतें पढ़ते रहें इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के फितने से हिफाजत के लिए अल्लाह की पनाह तलब की है और अपनी उम्मत को दुआ भी सिखलाई है इसलिए नमाज़ में हम सलाम फेरने से पहले जिन दुआओं का अहमाम करते हैं उसमें है अल्लाह मन ओउबी का मिनबिलक़बर वउब का मिन फितमसीही दजजाल अयल्ला हम खबर के फितनों से तेरी पनाह चाहते हैं और मसीह दज्जाल के फितनों से तेरी पनाह चाहते हैं तो दज्जाल का फितना ये दुनिया का सबसे अजीम फितना होगा अल्लाह तबारक हम सबको दज्जाल के फितनों से महफूज रखे इसी तरीके से क़यामत की बड़ी निशानियों में से दूसरी बड़ी निशानी ये है कि इमाम मेहदी का जहूर होगा इमाम मेहदी जिसको मेहदी मऊद कहते हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तम उस्त वम लिकल अरब रजुमिनाहले बैतीमत तो उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि मेरे अहल बैत में से एक शख्स अरब का हुक्मराना हो जाए आपने फरमाया युवाति इसम इस्मी उसका नाम मेरे नाम के साथ होगा यानी जो मेहदी पैदा होगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ उसका नाम होगा एक और रवायत में है कि मेहदी के वालिद का नाम भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद के नाम पर होगा तो ये इनको मेहदी मऊद कहते हैं और ये कयामत से करीब पैदा होंगे जो क़यामत की दूसरी बड़ी निशानी है आप वसल्लम ने फरमाया कि वो मेरे अहले बैत में से होंगे और उनका नाम मेरे नाम के साथ होगा उनके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम पर होगा आपने फरमाया कि वो दुनिया को इंसाफ से भर देंगे चारों तरफ अदलो इंसाफ भर देंगे और वो मकदिस में इसमें मुल्क वसल्लम ने फरमाया कि वो दिमश के जामे मस्जिद में इमामत करेंगे तो इमाम महदी का हूर होगा जो क़्यामत की बड़ी निशानियों में से दूसरी अजीम बड़ी निशानी है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चारों तरफ अमन व अमान का माहौल होगा हर तरफ़ खैर बरकत होगी और लोगों के दिलों में बोगज और हसद नहीं रह जाएगा इसी तरीके से कयामत की निशानियों में से तीसरी बड़ी निशानी ये है कि है तोसासलाम का नज़ूल होगा ईसीलातमाम के ताल्लुक़ से मुसलमानों का अक़ीदा है जो क़ुरान में अल्लाह ने बयान किया कि ईसास््लाम को कत्ल नहीं किया गया है ईसा ईसीम को सूली नहीं चढ़ाया गया है जैसा कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि ईसा इस्लाम को कत्ल कर दिया गया या ईसा स्ल्लाम को सूली चढ़ा दी गई है अल्लाह ने फरमाया कि ईसा को कत्ल नहीं किया गया है और ना उनको सूली चढ़ाई गई है बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने है तो ईसा सलाम को ज़िंदा आसमान पर उठा लिया ईसा साला तो इस्लाम अभी भी हयात हैं आसमान पर जिंदा हैं अल्लाह तबारक व तल के करीब उनको भेजेगा प्यारे नबी अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि दिमश के जाम मस्जिद के मीनारे से वो उतरेंगे एक हदीस में आता है कि वो असर की नमाज़ का वक्त होगा है तो सलात उतरेंगे असर की नमाज़ का वक्त होगा इमाम महदी उस वक्त मौजूद होंगे जब है तो सलात अल्लाम को दिमश के मीनारे से उतरते हुए देखेंगे जाम मस्जिद के मीनारे से वो उतरेंगे तो इमाम महदी कहेंगे आप चलिए आप नबी हैं आप नमाज़ पढ़ाइए है तो ईसा इस्लाम कहेंगे नहीं आप यहाँ के इमाम हैं या आप इसके हकदार हैं चुनान ईसा तो इस्लाम इमामत नहीं करेंगे बल्कि इमाम मेहदी ही इमामत करेंगे इस हदीस को बयान करके मुफसरन ने शारहीन हदीस ने लिखा है कि इमामत का हकदार वही है जो मस्जिद का इमाम है मस्जिद के इमाम की मौजूदगी में कोई दूसरा शख्स इमाम नहीं कर इमामत नहीं कर सकता है हाँ अगर इमाम इजाज़त दे दे अपने से बड़े किसी शख्स को तबर्रुक की वजह से या कि उसकी अजमत की वजह से या उसके इल्म की वजह से तो इसमें कोई हर्ज नहीं है लेकिन इमाम की इजाज़त के बगैर इमाम के मसल पर किसी दूसरे को नमाज़ पढ़ाना सही नहीं है ईसा इस्लाम पैगंबर होने के बावजूद भी इमाम महदी के मुसल्ले पर इमामत नहीं करेंगे जबकि इमाम महदी कहेंगे कि आप चलिए आगे बढ़िए इससे इमामों की अजमत का पता चलता है इमामों की फजीलत का पता चलता है अइमा का मकाम व मरतबा बहुत ऊँचा है जो हमें समझने की ज़रूरत है अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि है तो ईसा सला तो सलाम जब उतरेंगे तो वो सलीब को तोड़ देंगे सलीब जो निशानी बनाई हुई है आपको गिरजाघरों में सलीब को जिनका यह अकीदा है कि ईसा आललातम तो को सूली दे दी गई हमारे नबी फरमाते हैं कि ईसा इस्लाम वो सलीबों को तोड़ देंगे दुनिया में कोई सलीब का निशान बाकी नहीं रहेगा हमारे नबी ने यह भी फरमाया कि ईसा आलतम तो खिंजीर, खिंजीर को कत्ल करेंगे खंजीर कोई खंजीर बाकी नहीं बचेगा ईसा अलैहिस्सलाम तो सबको कत्ल कर देंगे प्यारे नबी ने यह भी फरमाया कि हैत ईसास्लात इस्लाम टैक्स को खत्म कर देंगे ये जो जगह जगह टैक्स लग रहा है ना हर चीज़ का टैक्स ये टैक्स ये जिजिया है तो ईसा आएंगे तो खत्म कर देंगे एक बेहतरीन माहौल होगा लोग है तो इस्लाम के अदलो इंसाफ को देखेंगे तो धड़ाधड़ धर उनके हाथ पर बत करेंगे उनकी दावत को कबूल करेंगे पूरी दुनिया को अमन और शांति का गहवारा बना देंगे है तो ईसीलातम के आने के बाद लोगों के दिलों से बुग्जो हसर ख़त्म हो जाएगा जैसा कि सही मुस्लिम में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया आपस में जो एक दूसरे से कीना कपट रखते हैं जो रंजिशें रखते हैं अल्लाह व तआला दिलों से उन रंजिशों को दूर कर देगा यह तो हईसालसलात असलम के अदल इंसाफ की बरकत होगी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला हदीस के रावी हैं हमारे नबी ने फरमा कई फान तुम ईसा नसला इबन मरियम तुम्हारा हाल उस वक्त क्या होगा जब ईसा इबन मरियम का नज़ूल होगा फ़ीकुम तुम्हारे अंदर वह अम कुम और वो तुम्हारी इमामत करेंगे यानी लोग उनको अपना अमीर बनाएंगे मुसलमानों के अमीर बनेंगे अदलो इंसाफ़ कायम करेंगे और मैं आपको बताते चलूँ कि दज्जाल को कत्ल करने वाले यही ईसा इस्लाम होंगे ईसा सा तो इस्लाम दज्जाल को कत्ल करेंगे इस सालत उसम दोबारा दुनिया में जो आएंगे पैदा तो हो चुके हैं बहुत पहले अभी आसमान पर उठा लिए गए हैं फिर दोबारा दुनिया में आएंगे दोबारा दुनिया में आएंगे तो हमारे नबी ने फरमाया कि सात साल तक रहेंगे कितने सेवन ईयर्स सात साल सात साल में पूरी दुनिया को अमन और शांति का गहवारा बना देंगे हर तरफ अमन का माहौल होगा हर तरफ शांति का माहौल होगा सलीब तोड़ दिए जाएंगे खनजीर कत्ल कर दिए जाएंगे और जजिया और टैक्स ख़त्म कर दिया जाएगा हर तरफ अमन और शांति का माहौल होगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हर तरफ अमन व अमान होगा दो आदमियों के दरमियान किसी तरह की कोई दुश्मनी नहीं होगी फिर अल्लाह तबार व तआला शाम की तरफ से ठंडी हवा भेजेगा उसके बाद ई सल सलाम की का दौर ख़त्म हो जाएगा जैसा कि सही मुस्लिम की हदीस है इसी तरीके से क़्यामत की बड़ी निशानियों में से चौथी बड़ी निशानी ये है कि याजूज माजूज को अल्लाह तबार व तआला निकालेगा याजूज माजूज कौन है याजूज माजूज ये एक कौम है ये दुनिया में आएंगे तो उधम मचाएंगे सूरह कहफ़ आप पढ़ेंगे तो तर्जमे के साथ पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि हतजुलकरन से लोगों ने कहा था कि याजूज माजूज हमको बहुत परेशान करते हैं हम आपके लिए सहूलत मुहैया करेंगे आप उनके और हमारे दरमियान कोई दीवार उठा दें अल्लाह तला ने कुरान मजीद में पूरी तफसील बयान की लोहे की लोहे की ईंटों को पिघला करके दीवार बनाई गई है पढ़िए सूर कहफ तर्जमे के साथ हम हर जुमा को सूर कहाफ़ की तिलावत करते हैं तर्जमे के साथ पढ़ने की कोशिश करें लोहे की ईंटों को पिघला करके दीवार खड़ी की गई है और याजूज माजूज को आम लोगों से अलग कर दिया गया है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याजूज माजूज के मुतल फ़रमाया कि कियामत के करीब याजूज माजूज खोल दिए जाएंगे और अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया हत्ता इज़ा फुतिहत याजूज व माजूज मिन मिनकुल हद बिन यंसलून अल्लाह के अल्लाह तआला ने सूरह अंबिया में फरमाया कि याद करो जब याजूज और माजूज खोल दिए जाएंगे हता इज़ाफ या जूझ व माजूज वह हम मिनकुल्ल हद बीन सलोल याद करो जब या जूझ माजूज खोल दिए जाएंगे और वह हर ऊंची जगह से उतरते हुए दिखाई देंगे इनकी तादाद बहुत ज़्यादा होगी ये जहाँ पहुँचेंगे पूरा का पूरा पानी पी जाएंगे क्या नदी क्या तालाब क्या समंदर सब सूख जाएगा जहाँ जाएंगे पूरा पानी पी लेंगे जो भी मिलेगा उसको खा लेंगे जानवरों को भी नहीं छोड़ेंगे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आजूज माजूज मरने के, के मरने के बाद उनके खात्मे के बाद जानवर भी शुक्र अदा करेंगे कि ऐसे लोगों को अल्लाह तला उठा लिया किसी को सुकून से नहीं रहने देते थे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आज माजूज रोजाना वो लोहे की जो दीवार बनाई गई है उसको खोदते हैं उसको चाटते हैं और बाहर निकलने की कोशिश करते हैं यहाँ तक कि करीब हो जाते हैं सूरज की शुआएँ दिखाई देने लगें तो उनका निगरान जो है वो कहता है कि आज रहने दो कल फिर देखेंगे कल फिर ये काम करेंगे चुनानचे वो लोग वापस चले जाते हैं। दूसरे दिन जब फिर दीवार की खुदाई करते हैं तो देखते हैं कि दीवार पूरी हो चुकी है फिर मुसलसल वो काम शुरू होता है रोज करते हैं आज भी कर रहे हैं कल भी करेंगे ये कब तक करेंगे जब तक कि व तआला का फैसला नहीं आएगा हदीस के अल्फाज हैं एक दिन उनका निकरा कहेगा अब रहने दीजिए कल फिर खुदाई करेंगे लेकिन रोज इंशा नहीं कहता था उस दिन वो कहेगा अब रहने दीजिए कल फिर खुदाई करेंगे इनशाला वो इन कहेगा उसके बाद जब वो लोग उसकी खुदाई करेंगे तो कामयाब हो जाएंगे उसके बाद निकलेंगे जैसा कि अल्लाह ने फरमाया कुल हद बी एनसी हर ऊंची जगह से वो उतरते हुए दिखाई देंगे उधम मचाएंगे चारों तरफ हंगामा बर्पा कर देंगे पानी ख़त्म हो जाएगा खाना ख़त्म हो जाएगा जानवरों को काट कर खा जाएंगे इंसान परेशान हो जाएंगे लोग किलों में बंद हो जाएंगे अल्लाह के नबी ने फरमाया याजूज माजूज के फितनों से बचने के लिए लोग किलों में बंद हो जाएंगे याजूज माजूज बहुत खुश होंगे कि दुनिया पर हमारी हुकूमत कायम हो गई है इंसानों की ही नहीं बल्कि हदीस के अल्फाज हैं वो अपने तीरों को आसमान की तरफ फेंकेंगे और आसमान की तरफ जब तीर जाएगा वापस आएगा तो उसमें खून लगा होगा ये अल्लाह का निज़ाम होगा जो वो खून आलू तीर वापस आएगा तो ये खुश हो जाएंगे कि जमीन में भी हमारी हुकूमत है आसमान में भी हमारी हुकूमत है लेकिन आसमान में वो किसी का शिकार नहीं करेंगे अल्लाह ताला उनके तीरों को खून आलूद करके वापस कर देगा इस तरह वो उधम मचाएंगे इनकी तादाद इतनी ज्यादा होगी कोई इनसे मुकाबला नहीं कर पाएगा अल्लाह तबार को तौल एक बीमारी देगा उनकी गुद्दी में कीड़े पैदा होंगे ये गुद्दी में कीड़े पैदा होंगे जो उनको खा जाएंगे और उसी उसी बीमारी की वजह से वो मर जाएंगे तादाद इतनी ज़्यादा होगी कि वो मर के पड़े रहेंगे उनकी सड़न से उनकी बदबू से पूरी दुनिया मुताफ़न हो जाएगी फिर अल्लाह तबार को बारिश बरसाएगा और उनके लाशों को ढकेल करके समंदर में पहुँचा दिया जाएगा अल्लाह ताली हम सब की हिफाजत फरमाए तो इस तरीके से क़यामत की निशानियों में से चौथी निशानी क्या है याजूज और माजूज का ज़ाहिर होना वे मौजूद हैं मैंने बताया कि दीवार खड़ी की गई है लोहे की और वो दीवार जिस दिन खुलेगी बाहर आ जाएंगे क़यामत की बड़ी निशानियों में से दाबतुल अर्ज़ है दाबतुल अर्ज किसे कहते हैं दाबन के माने जानवर और अर्ज़ के माने ज़मीन अल्लाह तबारा व तआला ज़मीन से एक जानवर पैदा करेगा हदीस में के अल्फाज हैं कोहे सफ़ा कोहे सफ़ा सफ़ा पहाड़ी को अल्लाह ताला फाड़ देगा और वहाँ से ये जानवर पैदा होगा ये रहेगा जानवर लेकिन इंसान से बात करेगा गुफ्तु करेगा लोग उसकी बात समझेंगे वो भी लोगों की बात समझेगा ये भी क़यामत की निशानियों में से निशानी है लेकिन ये सब क़यामत के बिल्कुल करीब होंगे आप ये ना सोचें कि ये निशानियाँ अभी बहुत दूर हैं ये बहुत मुख्तसर वक्त में ये सब होगा बहुत मुख्तसर वक्त में ये सब होगा अर्ज के मुतालिक अल्लाह तबार व तआला ने फरमाया कि अल्लाह तबार व तआला जब उनको अजाब देना चाहेगा और अल्लाह तबारक तआला अजाब का वक्त पूरा कर देगा तो उनके ऊपर जानवर निकालेगा वही सा वक़ाल कऊल आलई जब उनके ऊपर अजाब साबित हो चुकी होगी अखरजना लहुम दा बतुम मिनल अर्ज तो हम उनके लिए ज़मीन से एक जानवर निकालेंगे तुकल लिम होम जो उनसे बात करेगा अन्न अन नासान बियातना ला युकिन हकीकत यह है कि लोग हमारी बातों पर यकीन नहीं करते थे हमारी आयतों पर यकीन नहीं करते थे अल्लाह तबारक वाली ने यह आयत सूर् नमल के अंदर बयान किए यानी लोग अल्लाह की अजमत को नहीं समझते थे लोग अल्लाह की आयतों पर यकीन नहीं करते थे लेकिन अल्लाह तबार को अपनी अजमत को जाहिर करने के लिए अपने मकाम व मरतबे को जाहिर करने के लिए एक अजीब जानवर पैदा करेगा जो होगा जानवर लेकिन इंसानों से गुफ्तु करेगा इंसानों से बात करेगा लोग उसकी बात समझेंगे वो लोगों की बात समझेगा हमारे नबी सल्ला फरमाते हैं कि वो मोमिनों को सूंखेगा तो उनका चेहरा रोशन हो जाएगा वो काफिरों को सूखेगा तो उनका चेहरा सियाह हो जाएगा अल्लाह तबार को उसको ये पावर देगा जिसको दाब बतुल अर्ज कहते हैं कयामत के करीब ये भी पैदा होगा इसी तरह से कयामत की निशानियों में से छठी निशानी यह है सूरज मशरक़ के बजाय मगरब से तुलु होगा रोज़ाना सूरज कहाँ से निकलता है पूरब से निकलता है और पश्चिम में डूबता है लेकिन कयामत के करीब सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकलेगा एक हदीस है अल्लाह के नबी से फरमाते हैं साहबा से आपने पूछा क्या तुम्हें मालूम है कि सूरज रोजाना शाम को जब गरूब होता है तो कहाँ जाता है साहबा ने फरमाया कि अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा जानते हैं हमें नहीं मालूम तो हमारे नबी ने फरमाया कि सूरज शाम को जब गरूब होता है तो रब के अर्श के नीचे जाके सजदा करता है और दूसरे दिन निकलने की इजाज़त चाहता है जब अल्लाह तबार को तला इजाजत देता है दूसरे दिन फिर निकलता है पूरब से निकलता है पश्चिम में डूबता है लेकिन एक दिन ऐसा आएगा सूरज अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के नीचे जाके सजदा करेगा दूसरे दिन निकलने की इजाजत चाहेगा तो अल्लाह तआला कहेगा जहां से आया था वहीं लौट जा चुनांचे वो वो दिन होगा कि सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकलेगा वो क़यामत का दिन होगा पिछले जुमा के खुतबे में मैंने बताया था जिसमें इस निशानी का जिक्र किया था कि लोग देखेंगे हड़बड़ा के उठेंगे सूरज पूरब से निकलने वाला पश्चिम से निकल गया है लोगों को लोगों को जगाएंगे उठो क़यामत आ गई है सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल गया है हमारे नबी अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस वक्त तौबा का दरवाज़ा बंद हो चुका होगा उस वक्त कोई तौबा करे तो उसकी तौबा को कबूल नहीं किया जाएगा तौबा तौबा का दरवाज़ा बंद होने से पहले तौबा कर लो वो निशानियां देखने से पहले तौबा कर लो जब इंसान के तौबा के लिए दरवाजे बंद हो जाते हैं ये तो कयामत की निशानी है जब अल्लाह ताला तौबा का दरवाज़ा बंद करेगा लेकिन आम इंसानों के लिए जब वो नजा की हालत में पहुँच जाता है अभी हम और आप बैठे हैं तोबा करें हमारी तोबा आपकी तौबा को अल्लाह कबूल करेगा लेकिन जब इंसान उस सिचुएशन में पहुँच जाता है ज़िंदगी और मौत के बीच में होता है और मौत की हिचकियाँ शुरू हो जाती हैं और फरिश्तों को अपने सामने दिखाई देने लग देखने लगता है अपनी 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 प्रॉपर्टी को अपनी जायदाद को देखता है उसको एहसास होता है मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी यूं ही खपा दी वो तोबा करता है लेकिन उस वक्त की तोह कबूल नहीं होती है। क्यों इसलिए कि उसके लिए तोबा का दरवाज़ा बंद हो चुका है उसने अब फरिश्तों को देख लिया है मेरे भाइयों ज़िंदगी में तोहबा कर लो मरने के वक्त तोबा करने से कोई फ़ायदा नहीं हो जब इंसान नजा की हालत में पहुंच जाए और उल्टी सांसें चलने लगें उस वक्त तोबा करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा तो सूरज जो है मगरिब से तुलू होगा ये कयामत का दिन होगा कयामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी क़यामत किन लोगों पर कायम होगी कयामत काफिरों पर कायम होगी जब तक मोमिन दुनिया में हैं क़यामत कायम नहीं होगी <coughs> मेरे भाइयों ये मोमिनों का एहसान है कि दुनिया बाकी है जब तक एक आदमी भी अल्लाह का नाम लेने वाला इस जमीन पर बाकी रहेगा कयामत नहीं आएगी यह मोमिनों का एहसान है मोमिनों की बदौलत यह जमीन बाकी है जब तक मोमिन बाकी हैं यह सूरज और चांद अपना काम करते रहेंगे जब जमीन पर ईमान वाले नहीं रह जाएंगे तो कयामत आ जाएगी अल्लाह के नबी वसल्लम फरमाते हैं एक आदमी भी अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं रह जाएगा एक आदमी भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला नहीं रह जाएगा काबतुल्ला को ढा दिया जाएगा क्यों इसलिए कि अब कोई अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं है कोई काबतुल्ला का तवाफ करने वाला नहीं है कोई काबतुल्ला की अजमत को समझने वाला नहीं है काबतुल्ला को ढा दिया जाएगा कुरने मजीद के हरूफ उठा लिए जाएंगे इसलिए कि कुरान पढ़ने वाला कोई नहीं है कबल इसके कि वो दिन आ जाए कबल इसके कि वो घड़ियां आ जाएँ मेरे भाइयों अपने ईमान की सलामती की दुआ करो नमाज़ों का अहतमाम करो कुरान मजीद की तिलावत करो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब तक ज़मीन पर एक आदमी भी अल्लाह का नाम लेने वाला रहेगा अल्लाह तलामत कायम नहीं करेगा लेकिन जब अल्लाह वाले उठ जाएँगे अल्लाह का नाम लेने वाला कोई जमीन पर बाकी नहीं बचेगा काबतुल्ला को मुनहदिम कर दिया जाएगा कुरानी मजीद के हरूफ उठा लिए जाएंगे तो अल्लाह तबारक कयामत कायम करने का हुक्म देगा हदीस के अल्फाज हैं अल्लाह तबारक तौ ने एक फरिश्ते को इसके लिए मुतिन किया है जिसको हम इसराफील कहते हैं जो सूर लिए अपने मुंह में खड़े हुए हैं निगाहें झुकी हुई हैं कान अल्लाह तबार व तआला के हुक्म की तरफ लगा हुआ है अल्लाह ताला ने जब से हजरत इसराफील को पैदा किया है उनका काम यही है वो अपने मुँह में सूर लिए हुए खड़े हैं निगाहें झुकाए हुए हैं कान अल्लाह के हुक्म की तरफ लगा हुआ है जैसी ही अल्लाह तबार व तआला हुक्म देगा हजरत इसराफील आल सलाम सूर पोंक देंगे सूर में फूकेंगे एक संघा है उसमें फूकेंगे एक तरह की आवाज़ पैदा होगी हदीस के अल्फाज हैं पहले वो आवाज़ थोड़ी थोड़ी निकलेगी थोड़ी थोड़ी आवाज़ निकलेगी फिर वो पूरी दुनिया में फैल जाएगी लोग परेशान हो जाएंगे हदीस के अल्फाज हैं कि आदमी अपने जानवर को खाना खिलाने के लिए जो उसके खाने का जो वो होता है उसको दुरुस्त करेगा वो दुरुस्त नहीं कर पाएगा कि क़यामत कायम हो जाएगी एक कपड़ा बेचने वाला अपने कपड़े को फैलाएगा लेकिन उसको समेट नहीं सकेगा कि कयामत कायम हो जाएगी हैतराफी अलीसलाम जब सूर फूंकेंगे, तो उसके उससे पहले एक जलजला पैदा होगा जमीन झिझोर दी जाएगी जैसा कि आजकल जलजले आते हैं आजकल का जलजला कितने सेकंड का होता है पांच सेकंड दस सेकंड तीस सेकंड लेकिन चंद सेकंडों में कितनी आलीशान इमारतें जमीन बोस हो जाती हैं चंद सिकंडों में कितने आदमी लुकमय अजल बन जाते हैं चंद सिकंड के जलजले से लाखों और करोड़ों की मिल्कियत तबाह बर्बाद हो जाती है वो भी किसी एक मुल्क के किसी एक रियासत के किसी एक शहर के किसी एक हिस्से में कयामत का वो मंजर होगा तिलार जब पूरी जमीन को छिझोड़ दिया जाएगा कयामत का वो हौलनाक मंजर होगा एक मुल्क में नहीं एक शहर में नहीं एक बस्ती में नहीं पूरी जमीन पर बेक वक्त जलजला पैदा होगा पूरी जमीन कांप उठेगी भूचाल आ जाएगा कयामत बर्पा हो जाएगी ये सूरज ये चांद ये सितारे सब खत्म हो जाएंगे है तो इसराफी इस्लाम सूर फूकेंगे ज़मीन के अंदर जलजला पैदा होगा और उस जलजले से अल्लाह तबार को तौल पूरी दुनिया को तबाह और बर्बाद कर देगा फिर उसके बाद सारे के सारे लोग पड़े रहेंगे इसराफील अलीसलाम जब पहला सूर फूकेंगे तमाम के तमाम इंसान मर जाएंगे कोई भी बाकी नहीं बचा हर जानवर चरिंद परिंद जितने हैं सब ख़त्म हो जाएंगे एक इंसान भी एक मखलूक भी बाकी नहीं रहेगा अल्लाह ने फरमाया मन अलैहा फान वब का वजह हो रब्बी का दुल जलाक्राम ज़मीन की जितनी चीज़ें हैं सब के सब फना हो जाएंगी सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी अल्लाह तबार व तआला अकेला रहेगा अल्लाह ऐलान फरमाएगा अल जब्बार ऐन अल कहारून कहाँ गए वो लोग जिनको अपनी बादशाहत पर नाच था कहाँ गए वो हुक्मरान जिनको अपनी सल्तनत पर नाज था लेमन कुल्योम आज के दिन बादशाहत किसकी है पूरी दुनिया खत्म सारे इंसान खत्म सारे जानवर खत्म पूरी मखलूकत खत्म कोई बाकी नहीं बचेगा अगर बाकी बचेगा है तो रब की जात बाकी बचेगी अल्लाह ऐलान करेगा लेमन कुल्यम बादशाहत किसकी है हुकूमत किसकी है सल्तनत किसकी है कौन है जो जवाब देगा सारे लोग मर चुके हैं लिल्लाहिल वाहिदिल कहार एक अल्लाह की बादशाहत है अकेला है जबरदस्त है मेरे भाइयों दुनिया के किसी हिस्से में हुकूमत मिल जाती है सल्तनत मिल जाती है उदार और मनसब मिल जाता है इंसान समझता है कि मैं ही सब कुछ हूं मेरे भाइयों हकीकी मालिक सिर्फ अल्लाह है अल्लाह तबारक तौल पूरी दुनिया को ख़त्म कर देगा अल्लाह की हुकूमत बाकी है बाकी रहेगी ये कयामत का हौलनाक मंज़र और कयामत कब कायम होगी ये तस्करा मैंने आपके सामने किया है अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताल हमें कयामत के फितनों से महफूज रखे अल्लाह तबारक ताली मरने के बाद की ज़िंदगी की तैयारी करने की अल्लाह हम सबको तोफ़ी इनायत फरमाए अल्लाह हम सबको सच्चा पक्का मुसलमान बनाए जब तक दुनिया में रखे इस्लाम पर कायम रखे खातमा हो तो ईमान बिल बिलखैर पर हो रब्बना तो मन्ना इन न कांतः समीम वतुबलैना न कांतः तोबरम बहमती का या और नामीन الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعل منهم وخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعل منهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وَيَتَعِيدُ الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِيدُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَدَعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ